हमने ब्रेक लेके और सेल्फ स्विच दबावनी से तो जैसे ही हमने सेल्फ स्विच दबाए से स्विच दबावते मात्र में वहाँ से दौड़ के यहाँ आ जाला हमने के ग्राउंड यानी कि निगेटिव यानी कि बॉडी। नमस्कार दोस्तों, अपने सबके स्वागत बा फिर से एक नया वीडियो में। तो ल दोस्तों चलिए हम एगो वीडियो बनाए वाला बानी, एकदम यानी कि ध्यानपूर्वक अपने वीडियो के देखें तो 100% गारंटी बा कि सेल्फ के प्रॉब्लम चुटकी भर में सॉल्व कर सकें अपने सब। तो चलिए हम घुमा फिरा के में कुछ कहे वाला नहीं कि एकदम सीधा हम सीधा सीधा अपने को हम समझाएं, ठीक बा। अगर ये वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक अपने देखत बानी तो 100% सेल्फ वायरिंग के अपने ज्ञान प्राप्त कर लेम यानी कि ज्ञान सीख ले हम। तो चलिए देख सकत बानी ई एगो हमारा गैरेज में एगो स्कूटर आयल बा जौन यामाहा कंपनी के फैसिनो स्कूटर अबे, यहाँ देख सकत बानी फैसिनो स्कूटर, ठीक बा। फैसिनो स्कूटर यामाहा कंपनी के, ठीक बा। और यामाहा कंपनी के फैसिनो स्कूटर हो चाहे यामाहा के अल्बा हो चाहे यामाहा के रे हो चाहे यामाहा के रेजेड हो, ये सब एक सिस्टम से काम करेला हमने के सेल्फ वायरिंग के हम अगर बात कहम तो, ठीक बा। तो देख सकत बानी हमने के सेल्फ रिले है, देख सकत बानी भाई सेल्फ रिले, ठीक बा। अब सेल्फ रिले कही आ चाहे सेल्फ कटआउट कही, ठीक बा। तो चली यहाँ तीन गो तार हमने के में देखे के मिली मैकेनिक दोस्तों, ठीक भाई, तीन गो तार हमने के देखे के मिला था। एगो तार पूरा लाल कलर के तार बा, तो ई तो सब मैकेनिक भाई के था हुई कि चाबी स्विच में ही तार जाला, तो राइट सही में चाबी स्विच में ही तार जाला, ठीक बा। और ये दो गो तार में कितना मैकेनिक भाई कन्फ्यूजन में पड़ जाला, तो ये कन्फ्यूजन के दूर करे खतरा हम रात के मेहनत करके वीडियो बनावत बानी। तो ये भाई के सपोर्ट करी आ जितना हो सके ये वीडियो के शेयर करी, ठीक बा, और सपोर्ट करी ये भाई के, ठीक बा। तो देख सकत बानी यहाँ हरियर पे पियर लाइन बनल बा, तो यानी कि कलर के तार कहाँ से आयल बा और इस तार के काम का हम, तो चली हम ये भी तार के काम हम बता देते बानी। जैसे ही हमने ब्रेक दबा के सेल्फ मारेनी सा, तो एमे ब्रेक सुई से हमने के 12 वोल्ट करेंट इस सेल्फ रिले में आ जाला यानी कि घुस जाला समझी, घुस जाला। जैसे ही हमने ये ब्रेक देख सकत बानी अपने ये ब्रेक, जैसे ही हमने इस साइड के ब्रेक ली सा आ चाहे हमने के इस साइज के ब्रेक ली सा, ब्रेक लेते ही हमने के ये हरियर पे पियर लाइन जोन बनल बा एमे हमने के 12 वोल्ट करेंट इस सेल्फ कटआउट में यानी कि सेल्फ रिले में करेंट घुस जाला, ठीक बा। और एमे 12 वोल्ट करेंट आ जाला और ये कलर के तार सेम टू सेम हमने के बैक लाइट चल जाला पछाड़ी बैक लाइट बड़े खतरा, तो अपने कन्फ्यूजन अपने के ना मन में हो एकदम दूर हो गए कन्फ्यूजन, ठीक बा। और ये दूसरा तार अपने ये देख सकत बानी जैसे कि हमने के नीला पे उजला लाइन बनल बा, तो मैकेनिक दोस्तों ई हवे जैसे कि हमने ब्रेक लेके और सेल्फ स्विच दबावनी से, तो जैसे ही हमने सेल्फ स्विच दबाए से स्विच दबावते मात्र में वहाँ से दौड़ के यहाँ आ जाला हमने के ग्राउंड यानी कि निगेटिव यानी कि बॉडी अर्थिन हमने कह सकत बानी से। तो एमे हमने के ब्रेक जब बात समझे के कोशिश करी मैकेनिक दोस्तों, ठीक बा, जैसे कि हमने ब्रेक लेनी सा ब्रेक लेते मात्र में इस तार में 12 वोल्ट करेंट आगल बैटरी के पावर, ठीक बा, और ये सेल्फ रिले में घुस गए, ठीक बा। और ब्रेक लेके तो हमने सेल्फ दबावे नहीं सा, तो अभी हमने के सेल्फ काम करेला ये तो अपने सबके यानी कि थाए बा अपने सबके एकदम यानी कि ये पता बाटे, ठीक बा। तो जैसे कि हमने की ब्रेक लेनी सा ब्रेक लेते मात्र में यहाँ 12 वोल्ट करेंट सेल्फ रिले में घुस गए और ब्रेक लेके सेल्फ दबानी सा तो सेल्फ दबानी सा तो सेल्फ स्विच से हमने के यहाँ बॉडी अर्थिन ये सेल्फ रिले में घुस गए और हमने के सेल्फ चालू हो गए और इमें कुछो झंझट नहीं थे एकदम ईजी बा, ठीक बा। अगर अपने बात के समझ गए बानी तो अपने के माइंड में सेट हो गए हुई। और मैकेनिक दोस्तों और ई एगो तार अपने देख सकते बानी ये बैटरी के प्लस वाला ये हमने के सेल्फ कटआउट में कसल बा, ठीक बा, और यहाँ कसल बा और हमने के ये सेल्फ कटआउट से आउटपुट करेंट ये तार वाला में देख सकते बानी ये तार अपने देख सकते बानी ये सीधा कहीं ना जाके हमने के सेल्फ मोटर में चल गए बा। तो ये हमने के आउटपुट हवे सेल्फ रिले से आउटपुट यानी कि करेंट निकल के सेल्फ मोटर में जाला और ये हमने के इनपुट हो जौन बैटरी से डायरेक्ट हमने के सेल्फ कटआउट में कसल बाटे। तो मैकेनिक दोस्तों चलिए यानी कि हम अपने के प्रूफ दे देते बानी, चेक करके भी हम अपने के बता देते बानी कि कौन तार में बॉडी अर्थिन आवेला और कौन तार में हमने के बैठी के पावर आवेला। तो चलिए देख सकत बानी हई साइड लाइट के टेस्टी लैंप एगो बना के रख ले बानी से यानी कि साइड लाइट कही आ चाहे इंडिकेटर कही, ठीक बा। तो चलिए यही से भी अपने चेक कर सकत बानी सा कि हमने के सेल्फ कटआउट खराब बा कि हमने के ब्रेक स्विच खराब बा कि हमने के सेल्फ स्विच खराब बा, तो यही से चेक कर सकत बानी सा। हमें ज़्यादा घुमा फिरा के कुछ चेक जाँच करे के हमने के जरूरत नहीं के, ये एगो हमने के यानी कि एकरे हमने के काफ़ी बा, ये हो जाए तो हमने चेक कर सकत बानी सा, ठीक बा। तो देख सकत बानी इंडिकेटर के टेस्ट लैम और इमें माइनस प्लस तो रहबे करेला अपने सबके तो था है बा, ठीक बा। तो चली हम यानी कि
सेल्फ कटआउट में ब्रेक दबावला पर हमने के जौन 12 वोल्ट करेंट आवेला सेल्फ कटआउट में हम उ पहला चेक करत बानी। तो हम अपने के जानकारी देनी है कि हरियर पे पियर लाइन बनल बा, ब्रेक दबावला पर हमने के 12 वोल्ट एमे करेंट आवेला और पछाड़ी बेगलाइट भी बढ़ जाला, ठीक बा। तो देख सकत बानी स्ट्रीट लैंप के एगो हम एमे लगा देनी, ठीक बा, जेमे 12 वोल्ट हमने के करेंट आवेला ब्रेक दबेला पर, और एगो बैटरी के हम यहाँ माइनस देत बानी, यहाँ बैटरी के यहाँ देख सकते बानी माइनस, और बैटरी के एगो माइनस देत बानी। और हमने स्कूटर के चाबी ऑन करके, चाबी ऑन करते भाई, चाबी ऑन करके हमने ब्रेक दबाव से देख सकते बानी, ब्रेक हमने दबावला पर हमने के इंडिकेटर बढ़ गए। तो ऐसे ही हमने चेक कर सकत बानी सर, ऐसे ही हमने चेक कर सकत बानी सर, देख सकते बानी वहाँ, देख सकते वहाँ ब्रेक दबानी सर, यहाँ लाइट बढ़ गए, देख सकत बानी, छोड़ भाई दबा ल, देख सकत बानी, अब छोड़, देख सकत बानी ब्रेक छोड़ देनी सर, अब बर्गर, अब ब्रेक लेत बानी सर, यहाँ हमने के बर्गर ब्रेक छोड़ देनी सर, वो निभ गए। तो हमने ऐसे ही हमने चेक कर सकत बानी सर कि हमने के ब्रेक स्विच सही रही तो हमने के लाइट बरी, अगर ब्रेक स्विच हमने के खराब हो गए रही तो हमने के लाइट ना बरी। यही चेक कर सकत बानी सर कि हमने के कटआउट तक, इस सेल्फ कटआउट तक हमने के 12 वोल्ट करेंट आवता कि नहीं आवत ब्रेक दबावला पर। और मैकेनिक दोस्तों, और हाँ एगो बात और रह गए बा का, कि डीओ समय तो उल्टा सिस्टम बा, इतना अपने बात के ध्यान रखें, डीओ समय फिर इस सिस्टम नहीं है, डीओ में अलगे से सिस्टम बा, ई भी टॉपिक पर हम वीडियो बनाए। हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकत बानी जैसे हमने के यहाँ नीला पे उजला लाइन बनल बा, तो हमने के जब सेल्फ बटन दबावे नहीं सर, तो वहाँ से हमने के सेल्फ बटन दबावते ही हमने के यहाँ बड़ी अर्थिन आवेला। तो चलिए हम सेल्फ स्विच लंग हम अपने के जाके देखा देते बानी कि सेल्फे स्विच से हमने के यहाँ तार आयल बाटे। तो मैकेनिक दोस्तों, देख सकत बानी सेल्फ स्विच जौन यहाँ हमने के फिट रहला, और यहाँ से निकाल के हम अपने के बतावत बानी। तो देख सकत बानी सेल्फ स्विच, ठीक बा, यहाँ सेल्फ स्विच है, और यहाँ दो गो तार हमने के लागल बा, जैसे कि पूरा ही करिया कलर के तार पे यहाँ देख सकत बानी, तो ये बॉडी अर्थिन हो गए, ठीक बा। और सेल्फ कटआउट हम, और सेल्फ कटआउट लंग जौन हम अपने के तार बतैन सेम टू सेम देख सकत बानी, नीला पे उजर लाइन हमने के बनल बा। तो जैसे ही हमने के स्विच हमने, जैसे ही हमने के स्विच हमने प्रेस करम से, यानी कि दाबम से, तो हमने के बॉडी अर्थिन हमने के वाला तार में कन्वर्ट हो जाए, और हमने के सीधा डायरेक्ट चल जाला, यानी कि सेल्फ चले खातिर हमने के बॉडी अर्थिन चल जाला सेल्फ कटआउट में। तो इतना अपने बुझे के कोशिश करें, ठीक बा। और दोस्तों, एगो यहाँ पूरा लाल कलर के तार अपने देख सकत बानी, तो हमने के सेल्फ कटआउट में एगो भीतर फ्यूज लागल रहेला जौन हम अपने के देखा बानी, देख सकत बानी फ्यूज। तो ये हमने के एमए 12 वोल्ट करेंट बैटरी के हमने के यहाँ कसलाई बा, देख सकत बानी प्लस वाला बैटरी हमने के 12 वोल्ट में कसलाई बा, और एमए हमने के भीतरे होके फ्यूज के माध्यम होके, और हमने के ई वाला तार में, ई वाला पिन के माध्यम से ई वाला तार में हमने के निकल जाला, ठीक बा। और निकल के हमने के चल जाला चाबी स्विच में, और कहीं चाबी ऑन कैला पर हमने के स्कूटर में हॉर्न साइलेंट नहीं खे पाते, यानी कि लाइन नहीं खे आवत, तो फ्यूज भी चेक कर सकत बानी सर हमने कि फ्यूज खराब बा कि सही बा, ठीक बा। तो ये यानी कि पूरा हमने चेक कर सकत बानी सर, सेल्फ ना चली तो का चेक करल जाए, का यानी कि चेक करे के बा, सब हम अपने के बता दिल बानी, ठीक बा। तो इतना अपने कन्फर्म हो जाए, और अपने ईजी यानी कि प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकत बानी, ठीक बा। अगर बाई चांस एमे यानी कि करेंट भी आवता, और बैटरी भी हमने के बैटरी भी हमने के ठीक बा, ठीक बा, और एमे हमने के 12 वोल्ट करेंट भी आवता ब्रेक लेला पर, ठीक बा, और हमने के ब्रेक लेके स्विच दबावला पर एमे हमने के बॉडी अर्थिन भी आवता, ठीक बा। तो और सेल्फ हमने के नहीं खेल चलत, तो हमने के कंफर्म हो जाए के पड़ी कि सेल्फ कटआउट जौन बाटे सेल्फ रिले हमने के खराब हो गए बाटे, ठीक बा। और यहाँ भी हमने यानी कि चेक कर सकत बानी सर कि हमने के सेल्फ कटआउट हमने के 12 वोल्ट करेंट एमे वाला आउटपुट करेंट निकालता कि नहीं निकालत, ई भी हमने के टेस्टी लैम्प के मदद से भी हमने चेक कर सकत बानी सर। एगो हमने के साइड लाइट के टेस्टी लैम्प जो इंडिकेटर के जो हम बतैनी है, एगो एमे प्लस हमने दे के, और माइनस हमने एमे दे के, और बल्ब के माध्यम से हमने चेक कर सकत बानी सर कि हमने के सेल्फ कटआउट बाहर यानी कि आउटपुट करेंट ई वाला तार में बिगत बा कि नहीं के बिगत। अगर 12 वोल्ट करेंट एमे यानी कि बाहर बिगता, तो इतना कंफर्म हो जाए कि हमने के सेल्फ मोटर गए बा, और इमें 12 वोल्ट करेंट नहीं है बिगत, यानी कि सेल्फ बटन दबावला पर ई वाला तार में, मोटा वाला तार में हमने के 12 वोल्ट करेंट नहीं आवत, तो हमने कंफर्म हो जाए कि सेल्फ रिले चेक करके अपने देखें, और प्रॉब्लम पूरा सॉल्व अपने कर सकें, ठीक बा। तो लव मैकेनिक दोस्तों, अगर हमारा चैनल पर पहली बार आएल बानी तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी और लाइक करी। तो लव दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।